नोकिया ब्रांड के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी HMD ग्लोबल ने अपने तीन नए स्मार्टफोन नोकिया 8.3 5G, नोकिया 5.3 और नोकिया 1.3 को लॉन्च कर दिया है, जहां पर नोकिया 1.3 एक एंट्री लेवल नोकिया हैंडसेट है और नोकिया 5.3 उन कस्टमर के लिए है जो एक बजट स्मार्टफोन चाहते हैं। और दूसरी तरफ नोकिया 8.3 एक 5G हैंडसेट है जो कि कंपनी का पहला 5G स्मार्टफोन होगा। और आपको बता दें कि नोकिया 1.3, नोकिया 5.3 और नोकिया 8.3 5G को पिछले महीने ही MWC 2020 में लॉन्च जाना था, बट कोरोना वायरस के खतरे के कारण इस टेक कॉन्फ्रेंस को रद्द करना पड़ा, इसलिए कंपनी ने इसे ऑनलाइन इवेंट के जरिए लॉन्च करा है। तो दोस्तों, इस फोन के बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि अब बात करने वाले इस फोन के फीचर्स और प्राइस के बारे में। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नोकिया 8.3 5G के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आपको बता दें कि इसमें 6.8 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है, और यह एक 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ एक पंच होल डिज़ाइन के साथ आता है। और अगर बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर दिया गया है, और इसी के साथ इसमें 6GB रैम और 8GB रैम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आगे बात करें इस फोन के कैमरा के बारे में, तो इसके रियर में टोटल 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर भी दिया गया है। और अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो इसके फ्रंट में सेल्फी लेने के लिए 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, अगर बात करें इस फोन के रैम और स्टोरेज के बारे में, तो आपको बता दें कि इसमें 6GB रैम और 8GB रैम का दो ऑप्शन मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ इसमें 64GB और 128GB का दो स्टोरेज ऑप्शन भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इस दोनों वेरियंट में 400GB तक का माइक्रो HD कार्ड लगा कर इसका स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। अगर बात करें इस फोन के कनेक्टिविटी फीचर के बारे में, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह एक 5G स्मार्टफोन है, बट इसके अलावा इसमें 4G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB Type-C पोर्ट, FM रेडियो जैसे बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आगे बात करें इस फोन के बैटरी के बारे में, तो यहाँ नोकिया 8.3 5G में 4500mAh की पावरफुल बैटरी दिया गया है, और इसको चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट वाला 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे सबसे ज़रूरी टॉपिक पर कि इस फोन का प्राइस क्या है। तो आपको बता दें कि नोकिया 8.3 5G के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 599 यूरो यानी कि लगभग 48,100 भारतीय रुपये है, और इसके 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 649 यूरो यानी कि लगभग 52,000 भारतीय रुपए हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इस फोन के इंडिया में लॉन्चिंग डेट और इंडिया प्राइस के बारे में, तो अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है, बट अगर आप चाहते हैं कि इस फोन के बारे में कोई भी अपडेट तुरंत आपको मिल जाए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और इस फोन के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि यह फ़ोन आपको कैसा लगा और इस फोन से आपको क्या उम्मीद है, ये फ़ोन कैसा होना चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई ऐसे मज़ेदार वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।